करो बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास और उसका यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में उसकी टू टाइप्स हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के हवाले से बात की, आज के इस लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग के हवाले से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों। तो सबसे पहले इसमें ये होता है, इसकी सर्किट डायग्राम पहले देखें आप। ये आपके पास इसकी सर्किट डायग्राम जिसमें तीन रजिस्टर जो हैं R1, R2 एंड R3, तीन रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। इसमें होता यह है कि अगर तीन रजिस्टर हैं तो तीनों रजिस्टर के जो लेफ्ट साइड है उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, और तीनों रजिस्टर्स की जो राइट साइड है उनको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। देखें जरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। के तमाम रेजिस्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और जो दूसरा एंड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। इसमें ये होता है तमाम रेजिस्टर्स के अंदर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में ये होता है कि तमाम रेजिस्टर्स के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। अगर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स भी लगाए गए हैं तो उनके अंदर वोल्टेज जो होंगे वो सेम होंगे, उतने वोल्टेज जितने बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है। उसमें हमने सीरीज में हमने बात की, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होते हैं। इसमें वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां पे हमने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल डेरिवेशन या फॉर्मूला हमारे पास क्या है, और इसमें हम बात कर देते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट इज डिवाइडेड अमोंग द रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो है टोटल आई विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीन जो रेजिस्टर्स हैं उनके अंदर जो करंट है उनको मैंने I1, I2 एंड I3 से, अगर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हैं वहां पे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फिर हमारे पास वो IN तक चला जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के V इज इक्वल टू IR, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कि वोल्टेज आपके पास इक्वल होती है वोल्टेज इज इक्वल टू IR। और अगर आपको यहां से करंट फाइंड करना पड़ जाए तो आप लिखते हैं करंट इज इक्वल टू V/R, ये आपके पास V/R हो जाएगा। अब यहां पे करंट जो है वो आपके पास अगर I1 है तो V/R1, I2 V/R2 एंड I3 V/R3। देखो वोल्टेज तो सेम है हमने कहा, तो करंट 1, 2 या 3 जो है उसके लिए हम डिफरेंशिएट जो करेंगे वो उनकी रेजिस्टेंसेस से करेंगे कि R1 रेजिस्टर, R2 रेजिस्टर, R3 रेजिस्टर, यानी उनकी रेजिस्टेंस जो है R1 उसकी रेजिस्टेंस को R1 रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टर की, यानी एक रेजिस्टर जो है R1 उसकी रेजिस्टेंस आपके पास, और R2 उसकी रेजिस्टेंस, R3 इस तरह से इनकी रेजिस्टेंसेस भी हम उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी R1, R2, R3। अब आपके पास आप लोग जाते हैं करंट इज डिवाइडेड अमाउंट द रेजिस्टर बाय ओम्स लॉ, तो आपके पास I1 किसके इक्वल हो जाएगा V/R1, I2 किसके इक्वल लिखा जाएगा V/R2, और I3 करंट 3 जो है वो लिखा जाएगा V/R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, उस फॉर्मूला को हमने इस्तेमाल किया। दस इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि करंट, कौन सी इक्वेशन थी 1, ये इक्वेशन थी हमारे पास, मैंने वैसे उठा के एक दफा लिख दिया, करंट वैसे ही आ गया मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहां पे लिखा जाएगा V/R1 प्लस V/R2, ये लिखा जाएगा आपके पास V/R1, ये लिखा जाएगा V/R2, ये लिखा जाएगा V/R3, यानी सारी इक्वेशन यहां पे करंट ऐसे ही, I1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी V/R1, I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/R3। तो इस इक्वेशन में मैंने ये वैल्यूज जो है इसकी पुट कर दी। नेक्स्ट आपके पास ये
करंट ऐसे लिखा जाएगा इक्वल ऐसे ही वी ओवर आर वन, इसमें से आपने वी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री, तीनों में जो v था उसको मैंने बाहर जाके लिख दिया, v कॉमन आ गया, अंदर बन जाता है 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाती है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 लिखी जाएगी इस तरह से। उसके बाद आप लिखते हैं कि ये जो आपके पास 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3 है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस से, और उसको आप लिखते हैं वी रिप्लेस द रेजिस्टर्स With a single resistor whose resistances are equivalent, कि हम तमाम जो resistors हैं उनको एक single resistor से replace कर देते हैं, और उस single resistor की जो resistance होगी उसको हम RE से denote करेंगे। फिर आप लिखते हैं current ऐसे लिखा जाएगा, V ऐसे लिखा जाएगा, और जो 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 है, ये देखिएगा एक बार फिर से यहाँ पे 1 over R1 प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री, इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने वन ओवर आर इक्विवेलेंट के बराबर लिख दिया। अगर मैं इन तीनों को, ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री, इनको मैंने आर ई से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा वी मल्टीप्लाई बाई वन ओवर आर ई, तो वो नेक्स्ट स्टेप में करंट ऐसे ही, और ये लिखा जाएगा वी ओवर आर ई। मैं एक बार फिर से ये बात समझा देता हूँ आपके पास, करंट आपके पास आ रहा है ये देखिएगा आई इज इक्वल टू वी, और ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है आपके पास वन ओवर आर इक्विवेलेंट। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू वी वन से मल्टीप्लाई होके वी ओवर आर ई। तो असल में ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है कि आपके पास करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर ई, और उसको मैंने यहाँ पे जाके लिखा करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर ए, क्योंकि हमने इस सारे रेजिस्टेंस को, तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस किया और उसकी रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट का नाम दिया, तो आपके पास करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं दस इक्वेशन टू बिकम्स, ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, इसको आप लिखते हैं ये इक्वेशन टू, कौन सी इक्वेशन टू, ये इक्वेशन, इसको मैं उठा के यहाँ पे लिखे जाता हूँ, ये लिखा जाएगा करंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे v ओवर आर ई, करंट को हमने v ओवर आर ई के इक्वल लिया, तो फिर करंट की जगह पे मैं v ओवर आर इक्वल लिख देता हूँ इज इक्वल टू, बाकी इक्वेशन मेरे पास v एन टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर आर इक्वलेंट बच जाएगा इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री लिखा जाएगा। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाती है। ओके, अब ये था कि तीन रेजिस्टर जो हैं उनको हमने लगाया यहाँ पे पैरेलल तरीके से, ये पैरेलल तरीके से तीन रेजिस्टर लगे हुए हैं। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर यहाँ पे लगे हों तो फिर हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आइएगा फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो वन ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री प्लस सो ऑन प्लस वन ओवर आर एन, तो एन नंबर्स ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे दो एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है उसके सीरीज सर्किट पे दो बड़े एडवांटेज, और वो कौन से एडवांटेज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि एडवांटेज में सबसे पहले Each device and circuit receive full battery voltage. Circuit के अंदर हर जो device है उसको full battery voltage जो है वो मुहैया होते हैं। जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, कर चुके हैं यहाँ पे, कि जो वोल्टेज है वो सेम रहते हैं, जितने वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर रही है तमाम जो अप्लायंसेस लगाई जाती हैं उनमें वो वोल्टेज जो है उतने ही रहते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो है ईच डिवाइस एंड सर्किट टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली। पहला जो एडवांटेज था उसका, उसमें हमने बात की कि हर जो डिवाइस है उस सर्किट पे वो फुल बैटरी जो है वोल्टेज रिसीव करती है, जितने वोल्टेज बैटरी के होते हैं उतने रिसीव करती है। सेकंड हम बात कर रहे हैं इसमें ईच डिवाइस एंड सर्किट टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली, कि उस सर्किट पे मौजूद हर जो डिवाइस है उसको इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑफ किया जा सकता है, जिसका मतलब ये कि बाकी जितनी भी अप्लायंसेस या डिवाइसेस उस सर्किट पे लगाई गई है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसको ऑफ किया है सिर्फ
उसी को ऑफ वही टर्न ऑफ होती है। उसके बाद दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाउसहोल्ड वायरिंग, और ये जो हाउसहोल्ड वायरिंग में जो हाउसहोल्ड वायरिंग है वो भी इसी असूल पे होती है कि जिसमें एक तो फुल जो वोल्टेज होते हैं वो प्रोवाइड हो रहे होते हैं, दूसरा सिंगल अप्लायंस को या डिवाइस को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं और बाकी तमाम जो अप्लायंसेज होती हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के वाले से बात की। इससे पहले था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम जॉल्स लॉ के वाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।